हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, नेम इज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स दैट अ मैन मस्ट नो, एक मैन को जरूर जानना चाहिए। तो फर्स्ट शॉर्टकट है हाउ टू मेक अ न्यू फोल्डर। अगर आप चाहें तो ऐसे न्यू फोल्डर बना सकते हैं, पर लेकिन ये सबको आता है, टाइम भी लेता है। पर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन को दबाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली न्यू फोल्डर बन जाएगा। तो आप ऐसे करके जितने चाहें उतने फोल्डर बना सकते हैं, लाइक जैसे मैंने बना दिए। अब ऐसे कोई भी कितने फोल्डर बना सकता है। अब नेक्स्ट है ओपन स्टार्ट मेन्यू। आप चाहें तो इसे ऐसे ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कीबोर्ड से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो कंट्रोल प्लस ई एस सी जैसे हो गया। जैसे मैं फिर से करके दिखाता हूँ, तो ये था हमारा शॉर्टकट नंबर 2। अगर आपको कॉपी करना कोई भी जैसे ये, तो आप राइट क्लिक करेंगे और कॉपी दबाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। आप इसे कंट्रोल प्लस, जैसे मैंने इस पर सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो चुका है। लाइक मैं पेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको, लाइक जैसे। और अगर आपको पेस्ट भी ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको पेस्ट करना चाहिए कंट्रोल प्लस पी से, नहीं होता है पेस्ट। कंट्रोल प्लस पी होता है प्रिंट वाला ऑप्शन, तो आपको कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट हो जाएगा ये, लाइक जैसे मैंने दिखाया। अब हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है सेलेक्ट ऑल। लाइक जैसे ये सब आइकन है, हम इन्हें एक साथ कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको करना क्या होगा, कंट्रोल प्लस ए, ये सब कुछ सेलेक्ट हो गया। ऐसे आप सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप बार बार तंग हो चुके हैं ऐसे रिफ्रेश करके, तो आपको अपने कीबोर्ड की F5 की दबानी होगी, इससे आप अपने ऐप्स को रिफ्रेश कर सकते हैं। हाउ टू मूव द कर्सर टू द सर्च बॉक्स। लाइक जैसे मैंने कंप्यूटर ओपन किया है, आप क्रोम भी ओपन कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कैसे लेके जाए कर्सर, तो आपको करना कुछ नहीं होगा, बस आपको F3 दबाना होगा, लाइक जैसे वहाँ पे पहुँच गया। तो आप देख सकते हैं ये शॉर्टकट्स बहुत काम आते हैं। डिस्प्ले, अगर आपको जैसे ये हेल्प एंड सपोर्ट्स ऑप्शन निकालना है, तो आप इसे कैसे निकाल लेंगे शॉर्टकट की से, तो आपको दबाना होगा Alt प्लस होम, जैसे कि मैंने दबाया है। पर लेकिन इसका भी एक शॉर्टकट होता है, आप इसे ऐसे ओपन नहीं कर सकते। ये ओनली जैसे कि मैंने कोई भी ऐप खोला है, इसके हेल्प एंड सपोर्ट में करेगा ओनली। लाइक जैसे मैं दबाता हूँ, जैसे कि ओपन हो गया। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट की है। अब हमारा लास्ट है आप इसे शट डाउन कैसे कर सकते हैं कंप्यूटर को, तो आपको करना होगा Alt प्लस F4, इससे आपकी विंडो खुल जाएगी। आप इसे यहाँ से शट डाउन पे रखना और एंटर दबा सकते हैं, तो आपका शट डाउन हो जाएगा। तो आज की ये 10 शॉर्टकट कीज आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो लेट देन गुड बाय, देखिए रास्तों पर नहीं पड़ना फीका।